हाँ मम्मी, कैसी है तबीयत पापा की? बेटा इनका बुखार ही नहीं उतर रहा। राजीव, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2-4 दिन और लगेंगे। ठीक है, मैं कुछ पैसे भेज देता हूँ। अरे नहीं, पैसे नहीं, अभी इनकी पेंशन आई है 2 दिन पहले। बेटा हो सके तो तू एक बार आ जा। अरे मम्मी मैं जरूर आ जाता, लेकिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। अरे मेरे पास तो सांस लेने तक का टाइम नहीं है। ठीक है बेटा, तेरे पापा जी बुखार में बस तुझे ही याद कर रहे हैं, देख ले, हो सके तो किसी तरह टाइम निकाल कर आ जा। ठीक है मम्मी, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आने की। आपको ना पापा जी के पास जाना चाहिए, आप उनके इकलौते बेटे हैं और इस टाइम उनको आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन प्रियांशी, तुम्हें मेरी जॉब का पता तो है, टाइम कहाँ है मेरे पास? आप एक बार ऑफिस में बात तो करके देखिए, और मैं तो कहती हूँ कि अगर छुट्टी मिल जाए तो तत्काल टिकट भी करा लेना और निकल जाना, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं करता हूँ ऑफिस में बात। छुट्टी मिल गई क्या? छुट्टियां मिल गई थी, लेकिन मैंने कैंसिल करा दी। कैंसिल करा दी, लेकिन क्यों? अरे यार, ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली, अगली ट्रेन का वेट करता, इसमें आधी छुट्टियां निकल जाती। तो ट्रेन की टिकट नहीं मिली तो क्या हुआ, बस से चले जाते? 13-14 घंटे में बस में सफर करूंगा। प्रियांशी ये सब नहीं होगा मुझसे। वैसे शाम को मेरी मम्मी जी से बात हुई थी, पापा जी की तबीयत में पहले से थोड़ा सुधार है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट मंथ दीपावली है तो दोनों साथ में चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, अब मैं मम्मी को कॉल कर देता हूँ। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? नहीं, अब तो आराम है, लेकिन सुबह ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। पता है, दर्द में ना आप मम्मी पापा को याद कर रहे थे। इसमें हंसने की क्या बात है, बुरे समय में इंसान अपनों को ही तो याद करता है, और ऐसे में वो अगर सामने आ जाते तो। क्या हुआ आपको? प्रियांशी, जब पापा बीमार थे तो उन्होंने भी तो मुझे ऐसे ही याद किया होगा, और मैं उनके पास नहीं था, काश मैं उनके पास होता। मम्मी पापा आप लोग यहाँ? राजीव बेटा तू ठीक तो है ना? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? अरे छोटा सा एक्सीडेंट था, आप लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत थी? सुबह जब बहू का फोन आया था कि तेरा एक्सीडेंट हुआ है, तब से बस तेरी ही फिक्र लगी थी। ये भी तुझसे मिलने को बेचैन थे, सीधे दौड़े चले। लेकिन पापा आज तो कोई ट्रेन भी नहीं है, आप लोग आए कैसे? बेटा आना था तो क्या ट्रेन क्या बस, सफर तो वैसे भी दुश्वारियों का नाम है, अब तुझे सही सलामत देख लिया, समझ ले हमें चैन मिल गया। अरे बेटा रो क्यों रहा है? राजीव कुछ बात है तो मुझे बता। मैं कितना अभागा बेटा हूं, जब आप लोगों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मेरे पास आप लोगों को देने के लिए टाइम नहीं था, और जब आज मेरा ये छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, आप लोग बिना समय गवाए मेरे पास आ गए, मुझे माफ कर दीजिए। अगर हमारे पास अपनों के लिए ही समय नहीं तो सचमुच हमसे बड़ा दुनिया में कोई अभागा नहीं।